एक कॉलेज में तीन दोस्त सोनू, प्रकाश, शर्मा पढ़ा करते थे। एक दिन सोनू का जन्मदिन था, तो तीनों ने प्लान बनाया कि वो मूवी देखने जाएंगे। हैप्पी बर्थडे भाई, आज तो भाई का जन्मदिन है। थैंक यू यार, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी बता, क्या लेना है तुझे पार्टी में? मैंने कब मना किया है? अरे यार, पार्टी वार्टी छोड़ो, एक नई मूवी है आदि पुरुष, चलो देखने चलते हैं। देखो तो सही, आखिर अब की बार की रामायण कैसी बनी है। रामानंद सागर जैसी रामायण तो अभी तक देखी नहीं, अब इस रामायण को देखते हैं कि कैसी बनी है। हाँ, आज ही रिलीज हुई है। इसमें सैफ अली खान, कृति सनोन और प्रभास है। मजेदार फिल्म होगी, चलो तीनों चलते हैं। और अनीता को तो फोन कर दो, वो भी हमारे साथ चलेगी। नहीं, आज उसे अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाना है, आज वो कॉलेज नहीं आएगी। चलो हम तीनों चलते हैं, उसको कभी और लेकर चलेंगे, आज तेरा बर्थडे है यार। ठीक है, चलो आज मेरी तरफ से मूवी की टिकट। सोनू, प्रकाश और शर्मा तीनों मूवी देखने के लिए चल पड़ते हैं। तीनों टिकट खरीदते हैं और आगे वाली सीट पर बैठते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है तो तीनों आग बबूला होते हैं। पैसे दिए गए थे तो मूवी तो पूरी देखनी ही थी। पूरी मूवी देखकर वो थिएटर से बाहर आते हैं। ये मूवी थी, इसने तो हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार किया है। रावण कम खिलजी ज्यादा लग रहा है। कभी रावण को बिना शिव तिलक के देखा है? हमारे शास्त्र में रावण को भी पूजनीय माना गया है, वो एक अखंड पंडित और एक बड़ा वैज्ञानिक था। यहाँ तो ये पूरा विलन ही लग रहा है। और राम जी राम कम एक योद्धा ज्यादा लग रहे थे। राम जी वनवास नंगे पैर गए थे और इसको तो पैरों में जूते पहना रखे हैं, वो भी चमड़े के। सीता माता को देखा? प्रीति सीता माता बनी है। सीता माता के सिर पे से कभी पल्ला नहीं हटता, वो एक मर्यादा स्त्री थी। और यहाँ पर कृति ने सीता माता की एक अलग ही छवि दिखाई है, इसके ना सर पर पल्ला है और ना ही मर्यादा। अरे बस करो यार, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्द से जल्द मुझे खाना खिला दो। आज बर्थडे है ना, आज बर्थडे होने के बाद भी सोनू तूने कुछ नहीं खिलाया। एक कुंभकर्ण मूवी में था और एक कुंभकर्ण हमारे साथ है जिसको खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। हम इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसको भूख लग रही है। अरे यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, चल किसी रेस्टोरेंट पर चलते हैं, वैसे भी मूड खराब हो गया है। प्रकाश, सोनू और मोहित अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और बाहर आकर फिर से आदि पुरुष मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बल्कि आस्था पर प्रहार होते हुए देखकर तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो एक पार्क में बैठ जाते हैं। क्या कह रहे थे तुम, कुंभकर्ण? और खाना कौन कुंभकर्ण की तरह खा रहा था? प्रकाश बिल्कुल कुंभकर्ण लग रहा है। आदि पुरुष के अंदर संजय दत्त ने कुंभकर्ण का रोल किया था ना, बिल्कुल प्रकाश तो वही लग रहा है। सच में ना, मैं संजय दत्त लग रहा हूँ? हाँ यार, संजय दत्त ने भी क्या रोल किया है कुंभकर्ण का। हमारा अब तक का मानना था कि वो सोता रहता था, पर उसका ये संजय दत्त ने तो जो कैरेक्टर निभाया है वो बिल्कुल उल्टा है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, जिसका अर्थ था कि वो साधना करता था, परंतु इससे मूवी में तो कुंभकर्ण की छवि एक भयंकर राक्षस भी दिखाई गई है। सुना है प्रभास ने ये मूवी बनाने के लिए 1.5 गुना फीस मांगी थी, यानी ये बहुत ही बड़े बजट की मूवी बनी है। अगर इस पर बैन लग गया तो उसके डायरेक्टर को बहुत बड़ा घाटा होगा। इस मूवी को तो बैन होना ही चाहिए। तभी उन दिनों की फ्रेंड अनीता का फोन आता है। मेरे बिना तुम तीनों मूवी देखने गए तो कैसे गए? मुझको भी मूवी देखने जाना है। पहले विश तो कर दे, मेरा बर्थडे है आज। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे यार, इसलिए तो आज दोनों को मूवी दिखाने ले गया और मेरा इंतजार भी नहीं किया, एक बार फोन तो किया होता। वैसे ही पक चुके हैं मूवी देखकर यार, अब और मत पका। हम तुझे इसीलिए नहीं लेकर गए थे क्योंकि तू हमें बकवास करके पका देती और हमारा भरता बन जाता।
अनीता सोनू से आदि पुरुष मूवी का रिव्यू मांगती है तो सोनू कहता है, मत पूछ यार, बहुत ही बकवास मूवी थी, सारे पैसे वेस्ट हो गए हैं और मूड खराब हो गया वो अलग। क्यों, क्या हो गया? रावण खिलजी की तरह लग रहा था, राम जी एक योद्धा की तरह लग रहे थे जिन्होंने चमड़े के जूते पहने हुए थे, और हमारे हनुमान जी महाबली संकट मोचन, उनकी सिर्फ दाढ़ी थी, मूंछ नहीं। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में कहीं भी ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जहां पर सिर्फ दाढ़ी रखी गई है और मूंछे ना हो। इस फिल्म डायरेक्टर ने हमारी आस्था को तार तार कर दिया है। जी कर रहा है सारे पर्दे पर आग लगा दूं। यार इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? छोड़ ना सोनू, तू अपना जन्मदिन मना। अनीता ये कहकर फोन काट देती है और फिर जैसे ही सोनू पीछे पलट कर देखता है तो रावण का मुखौटा लगाए कोई उसके पीछे खड़ा होता है और उसे डराने की कोशिश करता है। सोनू उसको पहचान जाता है और कहता है, प्रकाश, सैफ अली खान से अच्छा तो तू ही रावण के रूप में लग रहा है, उससे अच्छा रोल तो तू ही कर सकता है, कम से कम रावण रावण तो लगता, कोई मुस्लिम शहंशाह तो नहीं। अरे मैं तो तुझे डराने आया था और तूने तो मुझे पहचान लिया। कभी किसी को रावण बना रहा है तो किसी को कुंभकर्ण, तूने तो आदि पुरुष को दिल पर ही ले लिया यार। हाँ यार, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोचने लग रहा हूँ मूवी के बारे में। एक बात नोटिस की तुमने, हमारे शास्त्रों में लंका सोने की बताई गई थी, परंतु इस आदि पुरुष की मूवी में तो सोने की लंका की जगह एक काली लंका को दिखाया गया है जो कहीं से भी सोने की नहीं लग रही थी। हाँ भाई, बात तो सही कह रहा है, ये तो मैंने गौर से ही नहीं देखा। और बानर बानर नहीं लग रहे थे बल्कि गोरिल्ले लग रहे थे, वो भी खूंखार गोरिल्ले। हमारे रामायण में तो बानर सभ्य दिखाए गए हैं, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। इस मूवी को तो बैन हो जाना चाहिए। ये आदि पुरुष खुश हो गया। सही कहा, रामानंद सागर जैसी रामायण अभी तक ना ही बनी है और ना ही आगे बन पाएगी। रामानंद सागर ने हमें सभ्य और अच्छी रामायण दी थी जो हम अपने बच्चों को भी दिखाकर उन्हें प्रमाण दे सकते हैं। इस आदि पुरुष वाले फुस रामायण से तो अच्छा है हमारी रामानंद सागर की रामायण। तीनों ऐसे ही आदि पुरुष मूवी के बारे में चर्चा करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। एक शहर में हीरा नाम का लड़का एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक संजय हीरा पर बहुत विश्वास करता था और उसने दुकान का सारा काम हीरा को सौंप रखा था। संजय का हीरा के साथ लगाव देखकर उस दुकान पर काम करने वाले अन्य लड़का अजीत अद्भुत ईर्ष्या रखता। अजीत हीरा को संजय की नजर में गिराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता। एक दिन संजय दुकान के लिए 5 किलो घी का डब्बा लेके आता है। दुकान का सारा सामान और पैसों का रखरखाव हीरा की देखरेख में रहता था। अजीत मौका पाकर वो 5 किलो घी का डिब्बा चुरा लेता है। जिस दिन अजीत वो डिब्बा चुरा कर जाता है उसके अगले दिन से ही हीरा बुखार के कारण दुकान नहीं आ पाता। अरे अजीत, तुमने वो घी का डिब्बा देखा है जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही लाया था? अजीत तो इसी मौके की तलाश में था। जी मालिक, वो तो हीरा अपने साथ ले गया। जिस दिन से वो डिब्बा लेकर गया है उसी दिन से वो छुट्टी पर है। लेकिन हीरा उस डिब्बे का क्या करेगा? दुकान का सारा सामान तो उसी की देखरेख में रहता है। मालिक, वो तो खुद को दुकान का मालिक समझता है और जब उसका दिल करता है वो दुकान का सामान घर ले जाता है, यहाँ तक कि पैसे भी ले जाता है। संजय अजीत की बातों में आ जाता है और जब हीरा बुखार से ठीक होकर वापस काम पर आता है तो संजय उसे बहुत भला बुरा कहकर दुकान से निकाल देता है। हीरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या बात थी और किस वजह से उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। हीरा बहुत दुखी मन से एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। हीरा मालिक की बातें याद कर बहुत रोता है। उसे मंदिर के एक कोने में एक साधु बैठे होते हैं जो हीरा को रोते हुए देख रहे थे। साधु हीरा के पास जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हीरा को साधु की मधुर वाणी सुनकर बहुत शांति मिलती है और वो साधु को सारी बात बताता है। साधु को हीरा पर बहुत दया आती है। ये लो बेटा, इसमें देसी घी है, तुम इसे ले जाओ
और इससे अपना खुद का मिठाई का काम शुरू करो। बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। इन सब में ये घी तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन बाबा, इतना सा घी ये सब कैसे करेगा? बेटा, ये जो घी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कोई मामूली घी नहीं है, ये जादुई घी है। तुम्हें सिर्फ इसे एक चम्मच में लेना है और उस मिठाई का नाम बोलना है जो तुम इस घी से बनाना चाहते हो। फिर तुम जादू देखना कैसे उस मिठाई से भरा थाल अपने आप तुम्हारे सामने आ जाता है। हीरा को साधु की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो साधु का मान रखने के लिए वो घी का डब्बा लेकर घर आ जाता है। उस साधु ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या सच में ये घी जादुई है? देखता हूँ। गुलाब जामुन। इतना कहते ही हीरा देखता है उस छोटे से घी के चम्मच से एक बड़ा सा थाल निकल रहा है जो गुलाब जामुन से भरा है। हीरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। बर्फी। इतना कहते ही चम्मच से बर्फी से भरा एक थाल निकल आता है। हीरा मिठाई चक्कर देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी मिठाई नहीं खाई थी। हीरा शहर के बाजार में रेहड़ी लगाकर मिठाई बेचने का कार्य शुरू कर देता है। वो प्रतिदिन सुबह उठकर जादुई घी को चम्मच में लेकर कभी गुलाब जामुन तो कभी बर्फी, कभी रसगुल्ला तो कभी जलेबी मिठाइयाँ बनवाता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता। हीरा की मिठाई बाजार में खूब बिकती। उसकी मिठाई की महक पूरे बाजार में फैल जाती है और लोग उसे खूब सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं। धीरे धीरे हीरा का काम खूब चलने लगा, जिससे उसे अच्छी कमाई होती। जल्द ही हीरा ने पैसे जोड़कर एक दुकान खरीद ली। वो दुकान उस दुकान के बगल में ही थी जहाँ वो नौकरी करता था। हीरा वो जादुई देसी घी अपनी दुकान में ही छिपा कर रख देता है। प्रतिदिन हीरा सुबह दुकान आकर उस जादुई देसी घी को चम्मच में लेकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनवाता और फिर उन मिठाइयों को दुकान में बेचने के लिए लगा देता। मिठाई की खुशबू पूरे बाजार में भर जाती और लोग मिठाई खरीदने उसकी दुकान पर लपक जाते। हीरा की दुकान के कारण संजय की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगी। जहाँ हीरा की दुकान ग्राहकों से भरी रहती, वहाँ संजय की दुकान पर इक्का दुक्का ही कोई ग्राहक आता। इस बात से संजय को हीरा से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। हीरा की दुकान पर अब सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि विभिन्न व्यंजन जैसे समोसे, कचौड़ी, पकोड़े आदि भी मिलते। एक दिन अजीत हीरा को घी की सहायता से मिठाई बनवाते देख लेता है और वो ये बात जाकर संजय को बताता है। मालिक, मालिक, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। अरे अरे, सांस तो ले ले, क्या पता चल गया तुझे जो इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा है? मालिक, मुझे पता चल गया कि आखिर उस हीरे के पास ऐसा क्या जादू आ गया जो उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है और हमारी दुकान खाली पड़ी रहती है। अजीत संजय को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, अब तो वो घी में लेकर ही रहूंगा। संजय अजीत के साथ मिलकर उस घी को चुराने की तरकीब निकालता है और मौका पाकर वो घी का डिब्बा हीरे की दुकान से चुराकर अपनी दुकान पर ले आता है। जलेबी। संजय के इतने कहते ही वो जलेबी से भरा जिसकी महक पूरी दुकान और दुकान के आसपास फैल जाती है। संजय इस प्रकार घी की सहायता से गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, समोसे, कचौड़ी आदि चीजें भी बनवाता है। संजय की दुकान इन सब चीजों की महक से भर जाती है और आसपास भी इन चीजों की खुशबू फैल जाती है। संजय की दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और लोग उससे मिठाई, समोसा, कचौड़ी आदि चीजें लेके जाने लगे। अब संजय को हीरा को नीचे दिखाने का मौका मिल गया, लेकिन उसकी चोरी की ये दुकान ज्यादा देर न चली। ओ भाई साहब, ये ले जाइए आपकी जलेबी, आप ही खाइए ये नमकीन जलेबी चटनी के साथ, मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे ये लो भाई, तुम्हारा समोसा और मेरे पैसे वापस करो। क्या कभी समोसा नहीं खाया तुमने? समोसे में नमक की जगह चीनी भर दी गई है। अरे चीनी वाला समोसा, नमक वाली जलेबी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे भाई, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास ना हो रही है तो खुद ही चक्कर देख लो।
संजय जैसे ही जलेबी और समोसा चखता है वो वैसे ही निकलते हैं जैसे ग्राहक बता रहे थे, नमक वाली जलेबी और चीनी वाला समोसा। धीरे धीरे और भी ग्राहक जो संजय के सामान लेकर गए थे उसे सामान वापस देकर पैसे लेने आ जाते हैं। संजय को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो घी का डिब्बा लेकर तुरंत ही हीरा के पास वापस जाता है और उसे अपनी क्रिया की माफी मांगता है। इधर अजीत को भी हीरा की नेक दिली देखकर अपने बर्ताव के लिए पछतावा होता है। वो हीरा और संजय को सारी असलियत बता देता है कि कैसे उसने घी का डब्बा चुरा कर हीरा पर इल्जाम लगा दिया था। उन लोगों के पछतावा के आंसू देखकर हीरा उन्हें माफ कर देता है। अब हीरा अपने जादुई देसी घी से बनी कुछ मिठाइयां संजय की दुकान पर भी बेचने लगता है, जिससे संजय की दुकान पर भी ग्राहक आने लगते हैं और दोनों की दुकान अच्छी चलने लगती है। अजीत दोनों दुकानों की देखभाल का काम किया करने लगता है। अच्छा, तो मेरी दुकान से निकलकर इसने अपनी दुकान खोल ली और मेरा नंदा चौपट कर दिया। नंदा चौपट किया तो किया, अब उस रसगुल्ले में जादू भी डाल दिया। उस जादुई रसगुल्ले को तो मैं चुरा कर अपने पास रख लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसकी दुकान चलती कैसे है। दुकानदार उसकी दुकान में से रसगुल्ला चुराने के लिए दुकान में जैसे ही दाखिल होता है और रसगुल्ला चुरा कर ले आता है तो वो रसगुल्ला दुकान में आकर बड़ा आकार ले लेता है और उसके ऊपर गिर जाता है। अरे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये रसगुल्ला इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो सच में ही जादुई है, इसके तो हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया है। कोई मुझे बचाओ, आगे से मैं इस रसगुल्ले को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। दुकानदार की आवाज सुनकर सामने वाली दुकान से राजू दौड़ा दौड़ा आता है। दुकानदार की ऐसी हालत देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वो रसगुल्ले को दुकानदार को माफ करने के लिए कहता है। वो रसगुल्ला अपने आकार में वापस आ जाता है। रसगुल्ला लेकर राजू वापस दुकान में आ जाता है। राजू एक मिठाई की दुकान पर काम किया करता था। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती थी। उसके व्यवहार के कारण उस दुकान पर सब मिठाई लेने आते थे। अरे राजू, टेबल नंबर 26 पे मिठाई पहुँचा कर आ। आये साहब, जल्दी आ, उसी के पास बातें बनाता रहेगा क्या? तेरी तो बातें ही है जो खत्म नहीं होती। साहब, वो कुछ पूछ रहे थे, उसी का तो जवाब दे रहा था। जहाँ खड़ा होता है वहाँ खड़ा ही हो जाता है, ना जाने सब तुझसे क्या बातें करते रहते हैं। तनख्वाह बातें करने की लेता है या काम करने की? दुकानदार राजू को धमका देता है। राजू टेबल नंबर 24 पर मिठाई लेकर पहुँचता है, परंतु किसी चीज से टकरा कर उसके हाथ से सारी मिठाइयाँ गिर जाती है। सत्यानाश, आज का सारा काम बिगाड़ दिया। इतनी महंगी मिठाई थी और गिरा दी, ना जाने ध्यान कहाँ रखता है। अच्छा, ध्यान तो तेरा हमेशा बातें करने में ही लगा रहता है ना, सोच रहा होगा किधर से कहाँ से कैसे बातें करूँ, और इतनी सारी मिठाई गिरा दी। साहब, ध्यान तो मेरा मिठाई की तरफ ही था, ना जाने किस चीज से टकरा के मैं गिर गया। मैं अभी दूसरी मिठाई ले आता हूँ। दूसरी मिठाई क्या फ्री में आती है? जो दोबारा ले आएगा इस मिठाई का भुगतान कौन करेगा, तेरा बाप? साहब, गलती से गिर गया, अब ये तेरे पैसों से काटूंगा। साहब, तनख्वाह मिलती ही कितनी है, उससे भी पैसे काटोगे? अच्छा, मुझसे जवान लड़ाता है। दुकानदार राजू को धक्के मार कर अपनी दुकान से निकाल देता है और कभी न आने की हिदायत देता है। वो अपने नसीब को कोसता हुआ चल पड़ता है। चलते चलते उसको भूख लगती है। आज तो घर पे भी खाना नहीं मिला था और दुकानदार ने भी घर से बाहर निकाल दिया। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करूं, कहां जाऊं? वो ये सोच रहा होता है कि अब क्या करे। इतने में ही उसे मंदिर की घंटियां बजती हुई नजर आती है। वो वहां जाने की सोचता है। कुछ खाने के लिए है नहीं, चलो मंदिर ही चले जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो कुछ काम धंधा मिल जाए और जो प्रसाद मिलेगी उसी से पेट भर लिया जाएगा। राजू मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा होता है, तभी पिंकी नाम की एक छोटी सी लड़की वहां पर आती है। भैया, आज मेरा जन्मदिन है,
ये लो रसगुल्ले खाओ। अरे वाह, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, ये लो रसगुल्ला। राजू दो रसगुल्ले ले लेता है, उसमें से एक रसगुल्ला खा लेता है और एक रसगुल्ला अपने छोटे भाई के लिए रख लेता है जो घर पर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे छोड़कर दुकान पर काम करने आता था। भैया तुम आ गए, जल्दी से कुछ खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ ये रसगुल्ला खा ले। रसगुल्ला? रसगुल्ला कहाँ से आए? क्या सेठ जी ने आपको मिठाई मुफ्त में दे दी है? वो तो बहुत कंजूस है। नहीं रे, ये तो मंदिर में प्रसाद मिला था, टिफिन में रख कर मैं ले आया। अनिल जैसे ही वो टिफिन खोलता है तो टिफिन लबालब भरा हुआ होता है रसगुल्लों से। भैया इतना सारा क्यों ले आए, हम तो दो ही जन है ना। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? एक ही तो रसगुल्ला है टिफिन में, मैं भला कहां से इतने सारे रसगुल्ले लेकर आऊंगा। मैं तो मंदिर में प्रसाद मिला तो मैं ले आया। नहीं भैया, ये टिफिन तो रसगुल्लों से लबालब भरा हुआ है और खाने में तो देखो जैसे कि इन रसगुल्ले का कोई जवाब नहीं है। इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले कभी नहीं खाए मैंने। तू जी भर के रसगुल्ले खा और फिर अपना पेट रसगुल्ले से भी भर ले। राजू और अनिल जैसे जैसे रसगुल्ले खाते हैं वो रसगुल्ले खत्म ही नहीं होते बल्कि बढ़ते ही चले जाते हैं और उनको खाकर वो तरोताजा महसूस करते हैं। अरे ये क्या, ये रसगुल्ले तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और यानी कि हम जितना उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ये रसगुल्ले जादुई तो नहीं, क्योंकि इनको खाकर मेरे सिर में चोट लगी थी, वो तो ऐसे गायब हो गई है जैसे कभी लगी ही नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हमें इसका प्रयोग गरीबों की मदद करने के लिए करनी चाहिए। हाँ अब मैं रसगुल्लों की दुकान खोलूंगा जिस पर बहुत ही सस्ते दामों पर सबको रसगुल्ले दूंगा, जिससे जो लोग मिठाई नहीं खा पाते उन तक मेरे ये रसगुल्ले पहुँच सके और किसी को अपना मन ना मारना पड़े। राजू सस्ते दामों पर रसगुल्ले बेचना शुरू करता है। सब उसकी दुकान पर रसगुल्ले खरीदने आते थे, यहाँ तक कि कोई बीमार होता था तो उसकी दुकान के रसगुल्ले खाता था। अब उसके रसगुल्ले बहुत ही फेमस होते जा रहे थे। तभी विवेक नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई है। मेरी बीवी गर्भवती है और उसका प्रसव का समय हो गया है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तुम पापा बन जाओगे। इस बात की खुशी तो मुझसे ज्यादा किसी और को ना हो सकता है, परंतु मुझे इस बात का भी दुख है कि जिस पुल से हम अस्पताल जा सकते थे वो पुल टूट गया है। अब तो हमारा नदी के दूसरी ओर जाना नामुमकिन है, पता नहीं मेरी बीवी का क्या होगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजू अपने हाथ में वो रसगुल्ला लेकर उस नदी के पास पहुंच जाता है और रसगुल्ले से कहता है कि इस नदी पर पुल बना दो, और रसगुल्ले को नदी में फेंक देता है। देखते ही देखते रसगुल्ला बहुत बड़ा हो जाता है और एक पुल का आकार ले लेता है जिस पर से सभी लोग आ जा सकते थे। तुमने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी को अस्पताल पहुंचा पाऊंगा। जल्दी से अस्पताल पहुंचो और अच्छी खुशखबरी देना, मैं यहाँ से वापस जाकर पुल बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू के जादुई रसगुल्ले से बने पुल की बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात जब दुकानदार को पता चलती है तो वो गुस्से में लाल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राजू और उसका भाई सभी की जादुई रसगुल्ले से सबकी मदद करते हैं।